कानपुर देहात के बहमई गांव में 39 साल पहले हुए हत्याकांड पर फैसला एक बार फिर से टल गया है। विशेष जज सुधीर कुमार शनिवार को फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन मूल केस की डायरी उपलब्ध नहीं हो पाई। सरकारी वकील राजू पोरवाल के मुताबिक केस डायरी गायब होने पर कोर्ट ने सत्र लिपिक को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। 39 साल से तारीख पर तारीख बहमई हत्याकांड में फैसला टला, एन वक्त पर चार्जशीट ही गायब। अब 24 जनवरी को होगी सुनवाई। बेमई नरसंहार कांड में 20 लोगों की मौत। तारीख तारीख और तारीख, जी हां, बेमई नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय के बदले मिल रही है बस तारीख पर तारीख। न्याय की बाट जो रहे बेमई के पीड़ितों को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा। 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात बेमई गांव में दस्यु सुंदरी फूलन देवी द्वारा नरसंहार मामले का फैसला आ जाना था। बेमई कांड का फैसला तो नहीं आया, लेकिन मामले में एक नया मोड़ जरूर आ गया। दरअसल बेमई हत्याकांड की मूल केस डायरी ही गायब है। न्यायालय ने इस मामले में लिपिक को नोटिस जारी कर 24 जनवरी तक मूल केस डायरी कोर्ट में पेश करने का फरमान जारी किया। यानी फैसला कब आएगा इसका इंतजार अभी और करना होगा। हालांकि अभियोजन पक्ष के वकील मूल केस डायरी गायब होने की बात नकार रहे हैं, लेकिन केस डायरी तलाशने की बात स्वीकार भी कर रहे हैं। निर्णय की तिथि आज नियत थी बहमई कांड के मामले में, किंतु निर्णय के स्तर पर न्यायालय पत्रावली में मूल केस डायरी इस मामले की वो नहीं पाई गई, तो जिसके कारण से आज निर्णय नहीं आ सका है। और अब न्यायालय ने इस मामले में 24 जनवरी की तिथि नियत की है और मूल केस डायरी को तलाशे जाने के आदेश दिए हैं। संबंधित सत्र लिपिक को भी नोटिस जारी। कोर्ट के आज के फैसले से पीड़ित पक्ष हताश है। उनका न्याय प्रक्रिया से विश्वास कम हो रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि न्यायालय बेमई हत्याकांड का फैसला आज सुना देगा, लेकिन 39 साल बाद भी अगर वादी पक्ष को न्यायालय से अगर कुछ मिला है तो वह है सिर्फ तारीख और तारीख। अगली तारीख फैसले की नहीं, बल्कि मूल केस डायरी कोर्ट में जमा करने के लिए। साफ है वादी पक्ष को इंसाफ के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वादी पक्ष न्याय में देरी से हताश है। उनके वकील अब हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जो उनका आया है ऑर्डर कि मूल केस डायरी नहीं थी, अगर मूल केस डायरी नहीं थी तो एक वादी के बयान हुए, इंजीनियर के बयान हुए, सारे प्रोसेस हुए, आर्गूमेंट हुआ। पिछली जो छताई लगी थी उसमें एक्यूज काउंसिल ने रूलिंग फाइल करने के लिए समय मांगा, सभी जजमेंट पता आज जजमेंट पर लग गई। ये प्रोसेस तो सारी खुद आज केस डायरी की फोटो कॉपी लगी हुई थी, वो थाने से अच्छे होके आ गई थी, मूल फिजी मान ली गई थी। अगर ये अगर जजमेंट नहीं हुआ तो इस आर्टिकल 35 बेमई हत्याकांड में राजपुर थाने में 40 डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 7 आरोपियों के अलावा बाकी सभी की मौत हो चुकी है। सिर्फ 7 लोग अब जिंदा हैं, बाकी सबकी मौत हो चुकी है। एक आरोपी पोशा जेल में है जिसकी उम्र करीब 82 वर्ष है। पुलिस जब पोशा को कोर्ट लेकर आई तो डाकू पोशा को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। डाकू पोशा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया और फरार तीनों आरोपियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। पोशा ने बताया कि दस्यु सुंदरी फूलन देवी को अच्छे से पहचानते थे और फूलन रिश्ते में पोशा की साली लगती थी। घटना के वक्त पोशा उस वक्त गांव में नहीं थे। पोशा भी न्याय की लंबी लड़ाई से अब ऊब चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन फैसला हो जाना चाहिए। 39 साल पहले बेमई कांड हुआ था, तुम कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम भदेक में बहन खेना थे। अच्छा, तो तुम्हें निर्दोष बताया गया? तब को नाम आल को लड़का को ब्याह खूजा में, तब उन्हें कही मम्मा ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा, 3 लोग फरार है अभी, राम रतन और मान सिंह विश्वनाथ। हाँ। तो इनको ये तुम्हारे साथी हैं ना? इनको जानते हो तुम? ना, हम भैया हम महात्मा को संग राजन महाराजन करो, हमने चोर छनाल द्वारी का कभी संग नहीं। अच्छा, ये तो क्या फूलन देवी को पहले जानते थे? फूलन देवी खूब अच्छी तरह भैया भी आए हुए गाँव हमारे सारी लगा था, अब नाते थे मैं जी, अब बुरे कर्म के हम साथी नहीं आए। पकड़े कहाँ से गए थे? पुलिस ने कहाँ से पकड़ा था? पुलिस ने कहाँ से पकड़ा था? हमें पकड़ा औरैया, हम बाबा भेस में हटे। कितने बार पकड़ा है? कितने बार पकड़ा पुलिस ने? तो
इटावा की पुलिस ने पकड़ी तो अच्छा ले गई। बेमई हत्याकांड के गवाह और चश्मदीद जंटर सिंह बताते हैं कि करीब 35 से 40 डकैतों के साथ फूलन ने पूरा गांव घेर लिया। गांव के सभी लड़कों को एक जगह खड़ा करके पूरे गांव में लूटपाट की थी और फूलन देवी हम लोगों से पूछ रही थी कि आखिर पुलिस को उसके बारे में कौन जानकारी देता है। फिर अचानक 4 से 5 लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। धूल का गुबार जब छटा तो चारों तरफ खून ही खून था। गांव के 20 लोगों की लाशें पड़ी थी। चश्मदीद बताते हैं कि गोली उन्हें भी लगी थी। 3 साल इलाज के बाद चश्मदीद जंटर सिंह ठीक हुए। उनका कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को फांसी की सजा। सब लाशें हो गई थी तो 2-4 लोग थे वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में खत्म हो गए। आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय हम घर से ही हमें पकड़ लिया। अच्छा। तो वहाँ कुएं पर बैठा ले रख के। आप देख रहे थे ये मंजर? हाँ सब देख रहे। आपकी गोली लगी कहीं? मेरे सीने में। आपके भी गोली लगी? हाँ। तो आप बच गए? हाँ। लेकिन हमारा संतोषजनक जो है मैं जाए जैसे कम से कम इनको फांसी होना चाहिए। कम से कम फांसी। कम से कम। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी रही फूलन देवी की हत्या की जा चुकी है। कई आरोपियों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है लेकिन अभी तक इस मामले में फैसला नहीं आ सका। बेमई केस में अब फूलन मुख्य आरोपी नहीं है। इस साल 6 जनवरी को इस मामले में फैसला आना था लेकिन कोर्ट की तरफ से मिल रही तारीख पर तारीख से न्याय का बाट जो रहे बेमई हत्याकांड के पीड़ितों की आंखें अब पथरा चुकी हैं। 39 सालों के बाद बेमई कांड का आज फैसला आना था। सभी दोषी और वादी कोर्ट में पहुंच गए थे। समय का इंतजार था कि कोर्ट बेमई के लिए एक न्याय का फैसला सुनाएगा लेकिन जैसे ही कोर्ट के बाद आए तो लोगों को पता चला कि आज फिर फैसला टल गया और एक और नई तारीख मिल गई। यानी कि ये कहा जाए कि जो केस डायरी से केस लड़ा जा रहा था वह केस डायरी ही खो गई। ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट ने 24 तारीख को एक बार निर्णय दिया है कि केस डायरी ढूंढ कर लाई जाए और सबमिट की जाए, जिसको लेकर लिपिक को एक नोटिस भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बेमई कांड पर फिर से तारीख भी तारीख मिलती है या फिर फैसला आएगा। कानपुर देहात से सुमित गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश।